लटका चुका है कैशियो का ट्री। गिरा हुआ यहाँ पे कैशियो। हो जाएगा अभी नहाया है। क्या है? उजलू का तो और ज्यादा फेवरेट था मछली, इससे भी ज्यादा फेवरेट था उसका। शुगर कैन पियो और शुगर को बढ़ाओ। और इसको ये मिला गोलगप्पा, ये मिला गोलगप्पा। क्या कर रहे हैं? देख रहे पेड़ जो लगाया था, एक महीना हो गया। देखिए इस पेड़ में है ना मिर्चा भी हो गया। ये देखिए कितना बड़ा मिर्चा हुआ ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला देखे एक और हुआ इधर, इधर देखे ये दो। और देखिए इतना छोटे से पेड़ में मिर्चा हो गया। ये देखे ये तो काफी छोटा पेड़ है अभी, बहुत छोटा है। और यहाँ देखे इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, अभी तक कुछ नहीं निकला इसमें। ये वाला पपाया का पेड़ लगाया था, ये भी जड़ पकड़ लिया है, ये भी जड़ पकड़ लिया। देखिए नया नया लीफ निकल रहा है इसमें, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें जो है ना वो फल देगा। ये भी पपाया होगा, देखो ना फ्लावर हो रहा है बेटा। ये देखो ये फ्लावर हो रहा है ना, ये देखो ये देखो। इसमें ये वाला पेड़ अभी बहुत छोटा है अभी तो। हाँ ये छोटा है लेकिन फिर भी इसमें मिर्ची होने लगा है। एक हो गया इधर, ये देखिए फ्लावर हो रहा है ना, फ्लावर के बाद मिर्ची ही निकलता है इसमें। देखिए वाइट फूल है ना, ये फूल अभी गिर जाएगा सूख के, फिर इसमें से मिर्ची निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब देखिए कितना लंबा लंबा, इसमें फूल भी नहीं। यहाँ पे रहने से यही सब अच्छा है ना, फायदा। अपार्टमेंट में ये कहाँ मिलता है ना, इंडिपेंडेंस हाउस में ये सब मजा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कड़ी पत्ता का पेड़ है, इतना बड़ा सा, काफी बड़ा। ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ है। ये भी देखो पटना में तो ना कड़ी पत्ता जल्दी मिलता ही नहीं है, और कहीं मिलता भी होगा दूर पे तो मालूम नहीं है। पहले इसमें बहुत सारा फ्लावर भी आया था, वो ड्राई होके नीचे गिर जाता है, और वो जहाँ जहाँ पर है ना गिरा है वहाँ वहाँ पर करी लीव्स हो गया, बहुत सारा करी लीव्स हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है ये पाया। फियोना फियोना कहाँ चली? चलो अंदर चलो, चल फियोना फियोना। क्या कर रहे होगी ऑगी? और यहाँ पर लगाया है मैंने पुदीना, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बड़ा हो गया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे बहुत सारे लहसुन लगाए थे हमने, जो कि यूज़ कर लिए कट करके, और शायद अभी वेस्ट हो चुका है वो लहसुन। सगा या सगा लहसुन बोलते हैं ना बिहार में, लहसुन को ऐसे अयान ने लगाया था, वो बड़ा हो गया था, फिर जब मैंने आलू का पराठा बनाया तो उसने यूज़ किया। और यहाँ पर बनाना ट्री भी है फ्रेंड्स, शायद अब इसमें शायद बनाना नहीं आता, वेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे नया फिर से हुआ है पेड़, इसमें बनाना आएगा इंशाल्लाह। और बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे हैं कि बिरयानी में जब भी बनाऊँ तो साउथ इंडियन स्टाइल में खाऊँ,
इसका लीफ जो है निकाल के मैंने बोला इनको कट करने के लिए, किसी दिन करेंगे, वह हमेशा मैं भूल जाती हूँ। इस बार याद रहेगा आपको? इस बार निकाल देंगे। नेक्स्ट इस बार हम लोग पत्ते में खाएंगे केले को। और वहाँ पर अमरूद का भी पेड़ है बहुत बड़ा सा, जिसमें अभी अमरूद नहीं है, गुआवा का। और ये सामने जो है ना, ये काजू का है, कैशियो का ट्री है ये। अभी पिछले साल इसके जो ऑनर है ना, उन्होंने लाकर दिया था, शायद उसमें कुछ फ्रूट भी होता है वो खाने के लिए। काफ़ी टेस्टी था, मैंने तो नहीं खाया, इन लोगों ने खाया था। और कभी कभी यहाँ पे ना गिरा हुआ भी होता है अचानक से, यहाँ पे कभी देखो गिरा हुआ यहाँ पे, ये कैशियो, ये देखो कैशियो। ये वहाँ से यहाँ कैसे आ जाता है काजू? उड़ के हवा से, हवा की वजह से। काजू का पेड़ है ये। काश हमारे यहाँ भी ये है काजू का पेड़। किसी ने बोला था कि शायद आप इसको डायरेक्टली नहीं तोड़ सकते, वो ग्लू टाइप का होता है, इचिंग होने लगती है ऐसा। काजू वजह से आपके एक कस्टमर ने बताया था, वो सुखाना पड़ता है उसको। ये पूरा काजू का ही पेड़ है, ये कच्चा है ना? अभी दिखाइए। हाँ कच्चा है ना, कच्चा है, लेकिन ये शायद रोस्ट करके इसको खा सकते हैं। क्या प्रोसेस इसका पता नहीं निकालने का। अभी कभी कौन से वेदर में होता है, कौन से सीजन में नहीं पता, कब होता है अभी? अभी हाँ, कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। लगभग यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे कैशियो ट्री दिख जाता है ना, ये देखो ना वो पेड़ में पूरा फला हुआ है, देखिए वहाँ पे। यहाँ पास से नहीं देखे, दूर से नहीं देखे, दूसरे के प्लॉट में ना जाने कैमरे में कैप्चर हुआ कि नहीं। हाँ ये देखे, ये देखे आ गया है ना, ये हमको नहीं दिख रहा है। फियोनो व्हाट आर यू डूइंग बाबा? गुड मॉर्निंग क्या कर लियो? क्या कर रहा मेरे बब्बा, क्या कर रहा? गुड मॉर्निंग योगी, जाओ खेलो जाओ, सो जाओ जाके, चलो मार दी से दूसरे वाले हॉल से जाओ, इधर से घुस जाओ, उधर से भी नहीं आने दे रही है। फियोना क्यों नहीं आने दे रही हो भाई? इसलिए ये रियल थे नंबर वन अलका भाग भाग फिर आगे मार दी तोड़ के। ये अच्छा है नहीं, काम आ गया इन लोगों का, एंड इन द होल। हाय कौन सा क्यूटी क्यूटी सा बेबी अंदर में है? जी हो के जैसे आखिरी हो। कल स्कूल क्यों नहीं गए थे तुम? अजान तबीयत ठीक है ना? दांत दिखाओ बाबू, दांत दिखाओ, चूहा ले गया सब दांत। अभी अच्छा हो गया तुम्हारा, वो भी दांत टूट गया, बहुत खतरनाक लग रहे थे तुम। बाप सब दांत आगे पीछे हो गया तुम्हारा, मेरे तरह आपका जैसा है ही, मेरा दांत जैसा है ना, आगे पीछे वैसे इसका भी निकल रहा। ओ पॉजिटिव बोलो शूज को हमेशा ऐसा करके पहना करो, क्लीन करके झाड़ लिया करो अच्छे से, फिनिश करना लंच। ओके ठीक है, अल्लाह। और वो वाली दुआ कौन सी है बेटा घर से बाहर निकलने जानते की? अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलैहि ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब बाबू का अदल कुर्सी याद करवा देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। देख रहे हो पापा कितना प्यार करते हैं। अभी भाई हुआ ना, बहुत छोटा सा था, वो खुद से कर लेता था। चाबी देखे गाड़ी पे, नाना करते थे, नाना छोटे चाबी होगा, उसको नाना सूज पहनाते थे।
अजान, कैसा फील हो रहा है स्कूल जाते वक्त? बहुत बुरा। बुरा फील हो रहा है? अच्छा नहीं? क्या? नहीं है। इतने टाइम रह गए ना घर पे, इसलिए मन किसका रहता है? मन किसी का, तुम्हारा मन सिर्फ खेलने में लगता है। नहीं, काफी टाइम रह गया ना घर पर, इसलिए इसको आदत हो गई है ना। जो ना, आ, ना। चलो देखो, बिल्ली है। पानी मिली? देख लिए यहाँ पे जाते हुए। अब वही डाल ले जाओ स्कूल, ले जाओ स्कूल। फियोना को भी, फियोना भी स्कूल जाएगी, फियोना भी स्कूल जाएगी, स्कूल जाएगी मेरी फियोना। चिप्पी चिप्पी चप्पा चप्पा दूरी दूरी दावा चप्पा दूरी दूरी बूम बूम बूम। चोटी पाई मिली, चोटी पाई मिली, जान मिली धड़कनिया। न्यू स्टूडेंट उधार की, न्यू स्टूडेंट फियोना, फियोना। चलो बेटा लेट, थोड़ा जल्दी करो। रिकॉर्ड की थी, आपको एक चीज करना दिखाएगी। लाइक सब्सक्राइब कर लो। बाय। इतने गंदे से मुंह से कोई भी नहीं करेगा। क्या भी होना है? याद आती है इसके स्कूल में? हाँ। कहाँ जा रही हो नारियल तोड़ने के लिए? कोकोनट चाहिए तुमको? अभी ऑगी है ना आयान, आयान ऑगी कल यहाँ तक आया था। देखो ये येलो वाले। चलो जा आजान। कहाँ है? नीचे आओ, नीचे आओ। ऊपर क्या कर रहा तुम? ऊपर क्या कर रहा है? ए कल्लू, ऊपर आ जा। कहाँ हो तुम? नीचे आओ, नीचे आओ। ए नीचे आओ, मैं आओ, नीचे आओ, आओ नीचे। आ जल्दी, नहीं आएगा वो। खाना उसको मिल गया ना, नहीं आएगा। आजा बेटा, आजा, आज आजा, आओ 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 कल्लू आओ। मालूम है क्या छोटू, पूरा तिलपार फाड़ दी। ले वही फाड़ी है मालूम। कल्लू क्या दिखा रहे हो? ले मछली। तो मछली खा चुका है। धोखा, नहीं आना कल्लू, धोखा है। टूथपिक? हाँ टूथपिक नहीं चाहिए बेटा, वो हम ले लेंगे मॉल से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम है समूसा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जल्दी जल्दी सुरा सुरा या हबीबी ब्लेसिंग का ताखिर। ताल ताल मतलब, ताल मतलब आओ सुरा सुरा जल्दी जल्दी यल्ला हबीबी। दत्तुके माफ माफी, दत्तुके वाले हबीबी मुख माफी, मुख माफी। इंता मजनून, इंता मुख माफी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह फ्रेंड्स। कल्लू
चल आ जा नीचे, नीचे आ जा, आओ आओ आओ, आ जा आ जा आ जा। और लगता है काफी थक चुका है, आ जाओ गल्लू, आओ आओ आओ। नहीं आओगे अभी मछली दिखाएंगे ना, दौड़ा दौड़ा चलाएगा नीचे, खा चुका है इसलिए। आजा गल्लू, इतना खूबसूरत हो गया देख रहे हो। हाँ 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 गल्लू, कौन मिली थी गल्लू? अब बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह, लगता नहीं स्ट्रीट कैट है। ये मछली खा खा के शाइनिंग आ गया है बॉडी पे। चला गया अज्जू तुम्हारा, यानू चला गया स्कूल। आगी आगी प्याला प्याला आगी। नहीं आ रहा कल्लू नीचे, नहीं आओगे नीचे? नहीं आओ नीचे, आओ ऐसो उसी को देख रही है वो। तुमको भी जाना ऊपर, तुम्हें भी जाना है ना? देखो देखो कहाँ चढ़ा है तुम्हारा फ्रेंड ऊपर। झटका मार रहा है, मारेंगे भी फिर फिर। संगीत मत सुनाओ, देखो कितना खूबसूरत लगता है। बिल्ली हो तो बिल्ली की जैसा आवाज दो। बिल्ला है नॉट बिल्ली, बिल्ला 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 बिल्ला। अज्जू के जैसा जुबान निकालता रहता है। क्यूटी बॉय कितना खूबसूरत हो गए हो तुम, तुमको मालूम है? हाँ देखिए अभी जंप कैसे पैर कैसे पकड़े, देख 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 देख। वो सारे कूद जाता है, बहुत जबरदस्त पैर पकड़ता है। क्यों ना ये क्यों ना। हाँ क्या कर रहे गल्लू, क्या कर रहे तुम, गुस्सा कर रहे हो? हाँ अपने जैसा बना दिया है उसको भी, देखो पहले आता नहीं था ये बाहर। ये कलवा क्या हुआ, थक गया इनको देखिए, बाहर नहीं आते थे ये सर, अब बाहर आकर के वो तो ऐसा जैसे कि सोफा लगा हुआ इसके लिए। ये होगी, अरे तुम पर्सियन कैट हो भाई, ऐसे कचरे में मत पड़े रहो। कचरा नहीं है अभी आया, इसको पूरा क्लीन कर दिया यहाँ पे ड्रेस का पूरा। मट्टी है ना, मट्टी में पूरा गंदा हो जाएगा, अभी नहाया इसको। आइए कुछ कर लेते भाई, ले सी पूरा गंदा हो गया यार। हेलो खेलना, बड़ा गंदी हो गई, खेलना चाहता है उसके साथ, छोटी है ना, छोटी मिल गई तुम्हारे, मार सकता हूं मार।
देखिए कुछ। रैबिट की जैसी दिखती है मेरी क्यूटी पाई, गंदी हो गई ना। हम हो चुका है इन लोगों के कॉम का। चलो चलो आ जाओ। पूरा डस्ट तुम्हारे बालों में चला गया है, क्लीन करने दो अब जल्दी से। अच्छा फील होता है अभी। हाँ बहुत अच्छे से देखे, कितना सुकून से देखे ना, आँख काम करवा रही है। आईज क्लोज कर ली। इसका सर के ऊपर का पूरा काला बाल उड़ गया। ग्रे कलर का था। काला था, ब्लैक था नहीं, ग्रे कलर था। ग्रे था इसका, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है इसका। थोड़ी बड़ी हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा। चलो अब ये वाला स्टाइल देखो, अब पेट का बाल। आला उसका ओगी फोटो ओगी तो खड़ी है मेरा। चलो हो गया, निकलो। हां अभी और करवाना है इनको। आओ करते हैं, आओ करते हो ना। इसको देखिए, ये मिला गोलगप्पा, गोलगप्पा। चलो तुम्हें नंबर है, देख ले। इतना ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। क्लीन बहुत अच्छे से करता है ये, देखें। क्लीन ऐसे 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 पुश करना है, सारे हेयर को रिमूव कर देते हैं। लेट लेट ना, आराम है। वाह क्या बात है, क्या बात है। भी देख लीजिए मंकी मैन को, देखिए क्या कर रहा है। इनको देखो, इसका कलर देख लो, यहाँ से टाइगर की तरह कलर है। ये देखो यहाँ भी कलर देख रही है, टाइगर के जैसा शेड है, जैसा टाइगर लुक होता है। खेलना चाहता है ऐसे, है ना, इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे चलना चाहता है। हाय गाइस, तो यहाँ पर मैं बॉयल करने जा रही हूँ फियोना और अभी के लिए फिश। हमेशा चेंज करके उसके लिए मछली आती है, इसमें बिल्कुल भी काटा नहीं होता, फोक बीच में होता है, बस थोड़ा सा ही होता है सिंगल। तो वो मैं बॉयल कर रही हूँ, वो बहुत शौक से खाते हैं दोनों। इसका स्किन ना पूरा निकाल करके देते हैं ऐसे। आजा इधर। ये रोगी तुम बहुत नखरा करते हो यार, चलो खा खाओ। नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है तुम्हें। ये खा, ये खा। ए चलो खा, खा। क्या है, नहीं खाना तुम्हें, भूख नहीं है, भूख नहीं है। के बाबा रुको, खा
थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा लो, यहाँ खा लो, यहाँ खा लो। इसको देखो। हे सियोनू, खाओ, चलो चलो खाओ 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 इट। इसको देखो, वो अपना खा रही है माशाल्लाह। खाओ सियोना, ये खा लो, ये आगे आगे क्या है? क्या बाबा, क्या कर ले तो? क्या चाहिए? कौन है, कौन है? देखो 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कौन है? क्या करना है? कीशा प्यार है ये, कीशा वाला प्यार है ये। ऐसे कौन करता है? गंदा बच्चा। गंदा बच्चा, गंदा गंदा बच्चा है तू। गंदा गंदा गंदा। देखो देखते 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 कर्ट बहुत पसंद है मेरी फियोना को, ना वो शौक से कर्ट खाती है। गुड गर्ल। शुगर केन पियो और शुगर को बढ़ाओ बॉडी में। अल्लाह कैसी दुआ, बाद में अपना पैसा बचेगा। कैसी दुआ दे रहे हैं, नहीं पीना हमको आपका जूस, ले जाइए वापस। हो गया पेट पूजा, पेट पूजा हुआ। अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, वाकई में इंडिपेंडेंट हाउस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अपार्टमेंट तो हमें बहुत मिल रहा था लेकिन अपार्टमेंट हमने लिया नहीं, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, इतनी फ्रेश हवा मिलती है मॉर्निंग इवनिंग। और यहाँ पे कोकोनट ट्री भी है, कई बार हमने कोकोनट को फ्रेश निकाला भी है, पिया भी है, यूज़ भी किया है उसका। और अच्छा ऐसे ही होना चाहिए, ताज़ी ताज़ी हवा, फ्रेश सब कुछ, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स यहाँ पे। अभी भी बहुत अच्छी हवा चल रही है, हम लोग इवनिंग को भी, नाइट को, मॉर्निंग को यहाँ पर आकर के बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस एक चीज़ का बहुत ज़्यादा केयर करना है, ये जो आपको कोकोनट ट्री दिख रहा है ना ऊपर से, ये कभी भी गिर जाता है और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर वो गिरता रहता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, तो बस बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और बस एक ही चीज़ जो है यहाँ पे हो गई थी बुरी, मतलब एक हादसा हो गया था, मेरी उजलू जो है वो डेड कर गई थी। आपने पहले व्लॉग में भी देखा होगा, हमारे पास दो छोटे कैट है आज़ाद, जो है वो लेकर आया करते थे, वैसे वो वर्कशॉप पे ही रहती थी लेकिन कभी कभी वो घर पर भी लेकर के आया करते थे, या अजान उसके साथ खेलते थे और वो लोग भी यहाँ के खेला करते थे। लेकिन अभी अजान की तबीयत ख़राब के बाद फिर जब यहाँ पर मैं शिफ्ट हो गई तो अजान अयान का उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया था, दोनों बहुत ज़्यादा अजान उसे प्यार करता था,
बस हुआ ये कि फ्रेंड्स एक दिन जो है हम लोग कहीं घूमने के लिए गए थे, माल पे गए थे और आने में रात हो गई थी, तो फिर हम लोग थोड़ा जल्दी सो गए थे। और उस दिन जो है कल्लू और उजलू जो है वो बाहर ही थे, मतलब रात को 12 बजे तक हम लोग उसे घर में अंदर बंद कर दिया करते थे। लेकिन उस दिन जो है अचानक जो है हमारे हमको नींद लग गई और हमारा ध्यान नहीं रहा, लेकिन फिर भी छोटू यहीं पर था, जस्ट यहीं पर था वो, और गेट जो है वो लॉक कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि कल्लू और उल्लू जो है वो आपस में खेल रहे थे, और कल्लू जो है उल्लू को बहुत ज़्यादा वो दौड़ाता है, तो वो दौड़ते हुए वहाँ रोड के उस साइड चली गई और छोटू जो है वो गेट लॉक कर रहा था। उसने आवाज़ भी दिया अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, लेकिन मतलब कुछ सेकंड में ही जो है कार वाला जो है उसे टक्कर मार के चला गया। मतलब वो बेचारी देख भी नहीं पाई, उसका फेस जो है उस साइड था और उसने जो है हॉर्न भी नहीं दिया था कार वाले ने, तो इसके लिए उसकी डेथ हो गई। तो जगह पे हमने उसे दफन कर दिया था फ्रेंड्स हमारी। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट हो गया था मेरा इन क्योंकि मैं नवंबर से यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो मेरा भी उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। और हुआ ये था कि जब अजहान हॉस्पिटल में एडमिट था उस वक्त 15 को, जब फर्स्ट टाइम हम उसे डिस्चार्ज करा के लेकर आए थे, उस टाइम भी उसकी मदर जो है वो इसी तरह से यहाँ से क्रॉस कर रही होगी, और वहाँ स्कूटी वाले ने उसे टक्कर मार दी थी और उसका भी डेथ हो गया था। और उस वक्त कल्लू जो बहुत छोटे थे, मतलब 3 महीने के होंगे। तो बस ऑन रोड है फ्रेंड्स, और थोड़ा केयर करना पड़ता है, इसलिए मैं आयान अजहन को भी यहाँ पे जाने नहीं देती। और पर्सियन कैट भी हमने इसलिए ही परचेस किया क्योंकि जब हमारी उल्लू की डेथ हो गई तो कल्लू जो वो बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा, वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने और आज़ाद ने डिसाइड किया कि हम एक कैट जो है वो परचेस कर लेते हैं, और बहुत टाइम से आज़ाद ने बोला भी था कि उनको पर्सियन कैट चाहिए, लेना है। तो बस शायद अल्लाह की मर्ज़ी थी, तो फिर हमने पर्सियन कैट जो है ऑगी और फियोना को परचेस किया, और मेल और फीमेल दोनों परचेस किया ताकि वो दोनों जो है एक दूसरे को कंपनी मिल जाए, ऐसा ना हो, क्योंकि कल्लू जो है वो फियोना से काफ़ी बड़ा भी है और स्ट्रीट कैट है, तो पता नहीं फ्रेंडशिप होगी कि नहीं होगी। बस लेकिन इतना मुझे मालूम था कि अगर वो साथ में रहेंगे तो फिर दोस्ती हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग पीरियड में, जो है कल्लू जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था उसको देखकर, लेकिन फिर बाद में फ्रेंडशिप हो गई, अब तीनों साथ में रहते हैं। और इतना ज़्यादा अजहान रो भी रहा था उस वक्त जब उल्लू की डेट हो गई थी, तो हमें लगा कहीं उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो फिर हमने इसके भी पर्सियन कैट जो है वो परचेस किया, और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये तीनों हमारे घर के रौनक हैं, और कल्लू से भी हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि वो उसका तो बर्थ भी यहीं हुआ था, तो वो बचपन से ही है यहाँ पर, और अभी ऑगी और फियोना है, तो बस अच्छा लगता है उन लोगों के साथ, स्पेशली मेरा वक्त जो है उनके साथ ज़्यादा बीत जाता है। जब आना जाने स्कूल चले जाते हैं तो मैं उनसे ही बातें करती रहती हूँ, उनको प्यार करती रहती हूँ। तो बस ये था मेरा व्लॉग फ्रेंड्स, और मैंने आपके साथ अपनी बातें शेयर की, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।